आप लोग अगर इसको लगाएंगे तो आप विश्वास मानिए कि तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो बाइक का क्या है कि बाइक का दोनों ब्रेक खराब है, ब्रेक नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। और आज घर पे दूसरा दिन, और अभी सुबह सुबह हम लोग बालों में लगा रहे हैं आंवला। तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग भी लगाएंगे तो इससे बाल बिल्कुल स्मूथ सिल्की टाइप हो जाते हैं, और बाकी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बालों की वो भी, अगर आप उसका निरंतर इसका इस्तेमाल करें तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए आज वो लगा रहे हैं, लगा लेते हैं। थोड़ी देर बैठना पड़ेगा इसको लगा के, करीबन 45 मिनट के आसपास, तब तक कुछ और काम कर लेंगे। आप बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। तो अभी जो है लगभग आधा पौन घंटा या हो चुका है, पौन घंटा तो आराम से हो चुका है, एक घंटा भी शायद होने वाला होगा है ना इसको लगाए हुए। और आप देख सकते हैं कि कैसे बाल हो जाते हैं। अब ये पूरा जो है, अगर आप इसको टच कर रहे हैं ना, मतलब मैं टच कर रहा हूँ इसको, तो ये पूरे हार्ड हो चुके हैं बाल, कड़े हो जाते हैं अभी, क्योंकि वो सूखता है ना तो हार्ड हो जाते हैं। तो ये सूखने का वेट करना है आपको, लेकिन आप लोग अगर इसको लगाएंगे तो आप विश्वास मानिए कि तुरंत रिजल्ट मिलता है। मतलब ये तो आपको तुरंत जैसे नहाएंगे तो बाल धोएंगे, शैम्पू नहीं करना है, बट आप इसको जब नहाएंगे इसको छुटाने के लिए तो ऐसे पानी से ही धोएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो बड़े सॉफ्ट हो गए बाल, ऐसा मुलायम से हो जाते हैं ये। और बाकी तो ये डैंड्रफ के लिए, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर जो होते हैं आ जाते हैं उनके लिए, और बाकी भी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। तो वैसे भी शैम्पू वगैरह में आंवला, शिकाका, ये सब तो होता ही है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब जाते हैं नहा लेते हैं इसको, धो लेते हैं। तो ये देखिए नहाने के बाद बालों की कंडीशन कैसी हो गई, बहुत ही मुलायम हो गए, बिल्कुल सॉफ्ट। और नाश्ता हम लोग ने कर लिया था, लेकिन शेक नहीं पिया था, तो अब शेक ये जा रहे हैं। कुत्ता बनाया गया उसको, ऐसा कुत्ता देखिए बिना नहाए तो बैठी समय बर्बाद करती हुई। क्या प्लान है तुझे आज का, कैसे आज का समय बर्बाद करना है? पूछे तो उसी का क्या प्लान है, आज का समय कैसे बर्बाद करना है, क्या सोचा है? सफाई करेंगे, ये सब आज समय बर्बाद करेंगे, बैठ के बैठ क्या करोगे आज का दिन, कैसे टाइम पास करोगे? बैठ नहीं जाने कहाँ, पहले गई नहीं है, तब कहा कि भाई ले लो तुम बाहर, और फिर गई नहीं। अब हम कह रहे अदिति की मम्मी स्कूल छुड़ेगा, क्लास खत्म हो गए हैं तो कैसे, अरे उनके कहाँ जाना होगा, नहीं जागरण कार वहाँ पे कौन सा बहुत अच्छा डांडिया प्रोग्राम है। नहीं तुम्हें लिया नहीं, 100 रुपये बताए थे, 100 रुपये दे के अदिति मम्मी क्लास तो जरूर होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं दुकान पे, और पापा जी पहुँच चुके हैं दुकान पे, और अब हम जा रहे हैं क्योंकि तैयार नहाए नहीं थे, अब बहरहाल में वो सब लगा था, तो नहाने के बाद अब निकल रहे हैं। चलिए दुकान ले चलते हैं आप लोग को। तो दोस्तों ये देखिए, ये है बर्रा बाईपास चौराहा, वो जो चौराहा आप देख रहे हैं, वहाँ से राइट जाएंगे तो लखनऊ तरफ जा रहा है, और ये जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आप आगरा वाला इटावा है ना, उस तरफ जा रहा है, और सीधे जा रहा है शहर के अंदर। और ये जो रास्ता जा रहा है ये बेसिकली जा रहा है कर्रही रोड, इसको बोलते हैं, आगे पूरी मार्केट है। और ये तब तो फर्स्ट जो हमारा घर है पेट्रोल पम्प के बाद, इसमें जो पूरी मार्केट है।
अभी तो कम सामान लगाया है बेसिकली, ज़्यादातर हम लोग सामान जो लगाते हैं धनतेरस पे ही ज़्यादा डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि ये गोल्ड बेसिकली, तो गोल्ड का क्या है कि रोज़ उठाओ अंदर डालो वो रिस्की काम हो जाता है, कभी कोई चीज़ छोटी मोटी रह गई कुछ हो गया तो पूरा डिस्प्ले नहीं करते है ना, और वो उठाते हैं धनतेरस पे मतलब बाहर डिस्प्ले करते हैं और फिर अंदर रख देते हैं। तो अभी पापा जी आए हैं खाना खा के और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, 3 बज चुका है सवा 3 नहीं काफ़ी लेट हो गया, ऐसे ही हो पाता है घर पे एक ही करके खाना खाने जाना पड़ता है, तो चलिए चलते हैं घर पे खाना खाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं घर आ गया हूँ, लेकिन अभी जैसे बाइक से जब घर आए हैं तो बाइक का क्या है कि बाइक का दोनों ब्रेक ख़राब है, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, तो ये मौत का सफ़र तय करके मैं यहाँ तक आया हूँ। देखिए ब्रेक जो है ये पूरा यहाँ तक चलाता है, आप देख रहे हैं पूरा, तो ये डिस्क ब्रेक ऐसे होते नहीं है, आपको पता होगा डिस्क ब्रेक, और पीछे वाला ब्रेक भी पूरा पैर पूरा दबाना पड़ता है तब जाके लगता है, मतलब लग नहीं रहा, तो इसलिए बहुत धीमे धीमे स्पीड में आ रहे थे, मतलब एक्सलेटर से ही स्पीड से ही आपको कंट्रोल करनी है बाइक को। तो ये सब टैलेंट कानपुर में ही आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और इससे क्या है कि अभी फिर से ऐसे ही बाइक चल रही, पापा जी भी ऐसे ही चला रहे हैं इतने टाइम से, मुझे समझ में आ रहा, लेकिन आज सर्विसिंग करानी थी काफ़ी दिनों से एक्चुअली, मेन बात वो है सर्विसिंग कराने का टाइम नहीं मिल पा रहा उनको, तो आज शायद मैं जाऊँ तो सर्विसिंग करा लूँ ठीक, बिकॉज बहुत रिस्की है और काफ़ी डर भी लगता है, लेकिन हाँ डर के आगे जीत है, ये सब चीज़ें एडवर्टीजमेंट में अच्छी लगती हैं, असली में लुढ़क गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी कहीं भी भिड़ गए तो, है ना, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे चलाते हुए आ रहे थे। ये देखिए दोस्तों तनिषा गुप्ता अपना लंच कर रही हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट कर रही हैं, अभी 4:15 बजे, लंच करीब 7-8 बजे, और डिनर कितने बजे? 12 बजे। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि मोटरसाइकिल के ब्रेक ख़राब हैं, तो मैं ठीक कराने के लिए आ गया हूँ, बिकॉज काफ़ी रिस्की है ये, तो देखते हैं यहाँ पे आए हैं मुझे ठीक कर देते हैं जल्दी, या फिर इसमें कुछ स्पेयर पार्ट लगता है, कोई ज़रूरत लगेगी स्पेयर पार्ट की तो वो लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा है कि इन लोगों ने बोला है कि मेजर किट लेके आनी है डिस्क ब्रेक की, जो ख़राब हो चुकी है, तो मेजर किट लेके आते हैं और इस खतरनाक खेल पर विराम लगाते हैं, नहीं तो ये खेल लंबा चलेगा, नहीं तो अभी बाइक के ब्रेक वगैरह ठीक करवा के वापस घर पे आ गए हैं, अभी पापा जी दुकान पे हैं और अभी दुकान पे जाएंगे, तनिषा गुप्ता लेके आई है रंगोली बनाने के लिए सामान, हमसे 50 रुपए में लाए हैं क्या रंगोली किस कलर, वो रंगोली ले आ गई सीसी वाली रंगोली बनाओगी कितने का, हर कलर हर एक कलर लाए हैं, इतने भी कम, अरे यार लेकिन व्हाइट कलर तो उसने दिया ही नहीं, रखा तो है व्हाइट कलर, क्यों लगाना व्हाइट में तो चूना उना सब चल जाता है ना, व्हाइट लगाना पाउडर लगाना, ये क्यों लेके चली गई थी, अरे हमें लगा इसमें लग जाएगी, ये लाए किसमें लग जाएगी, ये इस पे डेकोरेट करने के लिए किसमें लग जाएगी, अरे फोन में पावर बैंक में, पावर बैंक, हाँ वो वैसे नहीं लगे उसका काम, वो ना ये हमने दो लिए थे, एक दो दो है कलर का, है इस कलर की है, ये सब फैलाना मत एक जगह, उधर कोने पर रखना, देखो पूरा फैला देती है, इस कूलर को हटा दो, मम्मी मैं चूड़ियां देता हूं बहुत बड़ी, कूलर को हटा दें, बंधन पूजा कर ले, दीवार हटा दें, दीवार अगर दिक्कत दे रही हो, दीवार हम ज्यादा थके हैं, पापा कह रहे समोसा बना लो, मैं कह रही हमने तोशी बना देंगे समोसे, तोशी समोसा बना दो, खाओगे समोसा ये बताओ, तोशी बनाओ समोसा, अच्छा समोसा खाओगे तोशी, अगर तोशी बनाएंगे तो मैं खाऊंगा, हम नहीं बना पाते समोसे, क्यों बनाना सीखो, आलू उलू काटते हैं तो दोस्तों अभी डिनर का टाइम हो चुका है, और आज डिनर में आप गेस कर सकते हैं क्या है, दिल्ली में नहीं है हम, कानपुर में हैं, तो कानपुर में कानपुर जैसा डिनर होगा, मतलब कानपुर जैसा डिनर होगा, मतलब डिनर हुआ ही नहीं कुछ आज, ये था कि नाश्ते में शाम के टाइम समोसे खाएंगे, तो समोसे बनने में देर हो गई, ये हो गया वो हो गया, फिर क्लास हो गई, तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अब समोसे खाने जा रहे हैं, ये देखिए समोसे, उधर बैठो थोड़ा, उधर ही बैठो, अरे जगह नहीं है ना इधर, बैठ गई बगल में, अरे बिल्कुल जगह नहीं है, इधर बड़ी जा रही हो, इतनी जगह पड़ी हुई है, नहीं वो भाई पहले बढ़िया
ये देखिए आज आप देख सकते इतनी सतर्कता की जो है कितनी बड़ी आदतें, सबसे पहले खुद ले लेती हैं, दूसरों को जाए भाड़ में। मैं 6 समोसे खाए लग शायद, 6 समोसे दोस्तों मैंने खा लिए, घर के 6 समोसे। बाहर के समोसे 2 खाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन घर के 6 खा लिए। ये एक समोसा बच्चा खा लो, तुसी खा लो, तुमने तो वैसे भी नहीं खाया। खा लो, खा लो, खा लो ना, अरे तो खा लो, थोड़ा आराम मिलेगा दर्द में। खा लो एक समोसा, खा लो, थोड़ा दर्द में आराम मिलेगा। और वो जो मोटी है वो तुम्हारी तरह लगती है, उनको जो अभी चिल्लाती टॉक्सिक वाली तुम्हारी तरह लगती है। इसकी हरकतें तुम्हारी तरह नहीं है, जैसे चिल्लाना, बिना बिना बात के चिल्लाना, गुस्सा करना, उल्टा सीधा बोलना। चलिए फ्रेंड्स, आज का दिन समाप्त हो रहा है, समाप्ति की ओर अब सोने जाते हैं। अब कितना तो व्लॉग दिखाएं, थक गए व्लॉग दिखाते दिखाते, बना बना के फिर इसको एडिटिंग करो, डालो ये वो, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, एक दो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। चलिए खैर, तो अगले दिन फिर से कल नया व्लॉग डालेंगे, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना क्या हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम।